इन लोगों को पता चलता है कि यह गौ माता काफ़ी दिनों से यहीं धूप में पड़ी हुई थी। तब ये लोग सबसे पहले तो इस गौ माता के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं और उसके बाद इस गौ माता को पानी पिलाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, यह गौ माता इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी कि यह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। तब ये लोग इस गौ माता को एक इंजेक्शन लगाते हैं ताकि यह गौ माता जल्दी से जल्दी ठीक हो सके।